हेलो फ्रेंड्स, आई एम कंचन चौधरी। हमारे लर्न बाय वॉच चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट में एंटर और एग्जिट इफेक्ट लगाते हैं, और आज मैं आपको बताऊंगी कि किसी ऑब्जेक्ट को कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक मूव किया जाता है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट में हम मूवमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक न्यू स्लाइड क्रिएट कर लेती हूँ। ऐड स्लाइड पर क्लिक करती हूँ तो एक नई स्लाइड क्रिएट हो जाएगी। अब मैं स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज कर देती हूँ, तो मैं चलती हूँ बैकग्राउंड पर और यहाँ से मैं लोकेशंस पे जाकर ये वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि जो मैं बनाने जा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग ही मुझे बैकग्राउंड रखना है इसीलिए। अब मैं इस स्लाइड में ऑब्जेक्ट्स ऐड कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें एक पेपर डॉक्यूमेंट ऐड करती हूँ। मैं पेपर डालती हूँ तो ये मिल गया मुझे एक पेपर, मतलब पेपर का बंच है। मैं इसको ऐड कर लेती हूँ और इसको यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। थोड़ा इसका साइज बढ़ा लेती हूँ। अब ऐसा ही सेम ऑब्जेक्ट मैं एक और ऐड करना चाहूंगी स्लाइड में, तो मैं इस पर सिलेक्ट करती हूँ। आप चाहे तो कीबोर्ड से भी कर सकते हैं कंट्रोल प्लस सी दबाकर, बट मैं यहीं से कर लेती हूँ। राइट क्लिक करके कॉपी करती हूँ और राइट क्लिक करके फिर पेस्ट कर देती हूँ और इसको इसके ऊपर रख देती हूँ। मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में एंटर इफेक्ट भी डाल देती हूँ साथ के साथ। तो मैं नीचे आती हूँ यहाँ पर और यहाँ से ये पॉपअप होकर आएगा, बट मुझे अप होकर आए, मतलब नीचे से ऊपर, तो मैं अप वाले को सिलेक्ट कर लेती हूँ तो अब ये अप होकर आएगा। आप चाहे तो यहीं से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सेटिंग्स में जाकर, इफेक्ट्स में जाकर इनको एंटर और एग्जिट इफेक्ट दे सकते हैं। ये एंटर है तो यहाँ पर आप एंटर इफेक्ट्स दे सकते हैं और यहाँ एग्जिट है तो आप यहाँ पर एग्जिट इफेक्ट दे सकते हैं। आपको जैसे भी सूटेबल लगता है वैसे इनको ट्रांजिशन दे सकते हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को कॉपी कर लेती हूँ। मैंने इन दोनों को कॉपी किया कीबोर्ड से और पेस्ट कर दिया। पेस्ट हो गया, मैं इनको यहाँ लाकर रख देती हूँ। थोड़ा साइज छोटा कर देती हूँ इनका। और इसको थोड़ा इसके ऊपर ऐसे। अब मैं एक और डॉक्यूमेंट ऐड करती हूँ, इसको कॉपी करती हूँ और पेस्ट कर लेती हूँ। एक यहाँ पर रख देती हूँ। इसका साइज थोड़ा छोटा कर देती हूँ। अब मैं एक कैरेक्टर ऐड करती हूँ उसमें। मैं कैरेक्टर पर जाती हूँ और यहाँ से मैं एक कैरेक्टर उठा लेती हूँ। मैं इसे ले लेती हूँ, इसको मैं यहाँ प्लेस करती हूँ और इसका साइज थोड़ा बढ़ा लेती हूँ और इसका पोज भी चेंज कर देती हूँ। वहीं पोज पर जाकर आइडिया ले लेती हूँ, जैसे कि ये कुछ एक्सप्लेन कर रही है, और इसको फ्लिप कर देती हूँ। ये सब तो आप पहले से ही जानते थे, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको सिखा रखा था कि किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड में ऐड करते हैं और कैसे उनमें ट्रांजिशंस लगाते हैं। बट अब मैं इस ऑब्जेक्ट में मूवमेंट क्रिएट करूंगी तो वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं सेटिंग्स में जाती हूँ और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये A to B का जो ऑप्शन है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस गर्ल के ऊपर एक और गर्ल उसी के जैसे सेम टू सेम क्रिएट हो गई है। मैं आपको थोड़ा इसको अलग करके दिखाती हूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि इस एरो से आप देख भी सकते हैं कि इस गर्ल का यहाँ से यहाँ मूवमेंट होगा। तो आप चाहो तो इनके साइज में भी आप डिफरेंस ला सकते हैं, जैसे कि इसका साइज इतना ज़्यादा है और मैं इसका साइज कम भी कर सकती हूँ। तो मैं इसका साइज कम कर लेती हूँ। मैं यहाँ से
इसको छोटा कर लेती हूँ और यहाँ पर इसको प्लेस कर देती हूँ। तो आप ये एरो देख रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि ये गर्ल यहाँ से स्टार्ट करेगी और यहाँ से मूव होते हुए यहाँ पर आ जाएगी। ओके, मैं इस गर्ल में एंटर इफेक्ट लगा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको चलाकर दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो यहाँ मैं नीचे आती हूँ और मुझे इसे अप करके एंटर कराना है, तो मैं अप कर देती हूँ। तो अब ये नीचे से ऊपर आएगी। तो अब मैं इसको प्ले करती हूँ, तो आप देखिए किस तरीके से इसका मूवमेंट होगा। देखा आपने, यहां से उसने स्टार्ट किया और यहां पर आकर वो रुक गई। अब मैं स्लाइड में कुछ चेंजेस कर देती हूँ। जैसे आपने देखा कि ये गर्ल इन पेपर्स के ऊपर से होकर जा रही थी, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं इसको बैक पर ट्रांसफर कर देती हूँ ताकि ये पेपर्स के पीछे से होकर जाए। तो मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और राइट क्लिक करके सेंड टू बैक कर देती हूँ। तो अब ये पेपर्स के पीछे से जाएगी। अब मैं यहाँ पर एक पोडियम ऐड कर लेती हूँ। जब वो लड़की वहाँ पर खड़ी होगी तो उसके सामने एक पोडियम आ जाए। तो मैं पोडियम सर्च करती हूँ, तो ये पोडियम अच्छा लग रहा है, मैं इसको ले लेती हूँ और इसको यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। इसका साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अब देखते हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट आ रही है ये इसके ऊपर। मैं इस पोडियम में एंटर ट्रांजिशन ऐड कर देती हूँ। सेटिंग्स में जाती हूँ, इफेक्ट्स में, और मैं इसको लेफ्ट से एंटर करा देती हूँ। अब मैं आपको इसको प्ले करके दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है अब। तो चलिए प्ले करते हैं। देखिए बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। तो इस तरीके से आप मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट में, जैसा भी आपको अपने वीडियो के अकॉर्डिंग सही लगता है वैसे। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ ऑब्जेक्ट्स में मूवमेंट क्रिएट करने का। तो चलिए मैं एक और स्लाइड ऐड कर लेती हूँ उसमें, और अब मैं आपको फिर से एक बार और बताऊंगी कि किस तरीके से मूवमेंट क्रिएट करते हैं हम किसी ऑब्जेक्ट में। तो मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेती हूँ। सबसे पहले बैकग्राउंड में जाती हूँ और मैं लोकेशंस में जाकर इस बैकग्राउंड को ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। अब मैं एक शेप एंटर करती हूँ, शेप्स में जाती हूँ और यहाँ देखती हूँ मेरे काम का कुछ है क्या। ऐसे तो नहीं दिख रहा है, मैं रेक्टेंगल सर्च कर लेती हूँ। ये वाला मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। इससे मैं पूरी स्क्रीन को कवर कर देती हूँ। यहाँ से इसको स्ट्रेच करके ऐसे मैं पूरे स्क्रीन को कवर कर देती हूँ। कवर कर दिया मैंने। अब मैं एक सन ऐड करती हूँ। मैं यहाँ से सन सर्च करती हूँ, तो प्रॉप्स में जाती हूँ, तो देखिए बहुत सारे सन है यहाँ पर। मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेती हूँ, इसका साइज मैं थोड़ा बढ़ा देती हूँ। मैं साथ के साथ इनमें एंटर ट्रांजिशन भी लगाती जाती हूँ, तो मैं यहाँ इसको पॉपअप की जगह अप कर देती हूँ एंड इसमें मैं नो इफेक्ट लगा देती हूँ। अब मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में ही मूवमेंट ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करती हूँ मूवमेंट। तो मैं चाहती हूँ कि ये ऊपर की तरफ मूव हो जाए जब ये सन यहाँ पर आ जाए छोटा होकर। तो मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, सेटिंग्स में जाती हूँ एंड देन ए टू बी, और ये आगे इसके ऊपर एक और लेयर बनकर इसकी, और मैं इसको पकड़कर ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ ऐसे, तो ये वहाँ तक मूव हो जाएगा।
अब मैं इस सन को सिलेक्ट करती हूँ और अब मैं इस सन को भी मूव कराती हूँ। वही इसको सिलेक्ट किया, सेटिंग्स में गए, ए टू बी को सिलेक्ट किया एंड देन इसके ऊपर इसकी एक और लेयर आ गई, उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया, साइज में थोड़ा चेंजेस कर दिए, थोड़ा और छोटा कर लेती हूँ सीन के अकॉर्डिंग। परफेक्ट लग रहा है, थोड़ा और छोटा कर लेती हूँ। अब ठीक है, और अब मैं इसमें कुछ और ऑब्जेक्ट्स ऐड कर देती हूँ ताकि ये थोड़ा अच्छा लगे। तो मैं ग्रास सर्च करती हूँ, ये रही बॉसी ग्रास, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ और इसको यहाँ से यहाँ रख देती हूँ। इसको एक बार और सिलेक्ट कर लेती हूँ और इसको यहाँ पर, अब मैं ये वाली ले लेती हूँ, इसको मैं फ्लिप कर देती हूँ, उसका साइज थोड़ा बढ़ा देती हूँ। एक्चुअली मैं अभी रफली ऐसे ही कोई भी सीन क्रिएट कर रही हूँ, बस आपको सिखाने के लिए। सही लग रहा है। अब मैं एक ट्री सर्च कर लेती हूँ, इनमें से मैं ये वाला ले लेती हूँ और इसको यहाँ प्लेस कर देती हूँ। एक और बार ले लेती हूँ इसे, आप चाहो तो यहाँ से इसको कॉपी भी कर सकते हो, मैं पर यहीं से ले लेती हूँ और इसको यहाँ प्लेस कर देती हूँ, उसका साइज बढ़ा देती हूँ। अब मैं कैरेक्टर्स में से कुछ किड्स ले लेती हूँ, तो मैं जाती हूँ यहीं पर और यहाँ से मैं दो किड्स ले लेती हूँ, एक तो ये ले लेती हूँ, इसको यहाँ प्लेस कर देती हूँ और एक ये, इसको मैं फ्लिप करके यहाँ प्लेस कर देती हूँ। मैं इनके पोज चेंज कर देती हूँ, मैं इनको हैप्पी ऐसे कर देती हूँ जैसे ये खेल रहे हैं यहाँ पर। अब मैं ये स्लाइड आपको चलाकर दिखाती हूँ कि जैसा मैं चाह रही थी वैसा आ रहा है या नहीं। तो मैं प्ले कर लेती हूँ, तो आप देखिए मैच नहीं हो रहा है, तो मैं कुछ चेंजेस कर देती हूँ उसमें। मैं एक काम करती हूँ, मैं इस शेप का, इस रेक्टेंगल का मूवमेंट टाइम बढ़ा देती हूँ। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये नीचे, ये इसका मूवमेंट टाइम है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक मूव होगा और अपनी एंड पोजीशन यहाँ तक आ जाएगा। तो अगर मैं इसको स्ट्रेच कर दूँ पकड़ कर ऐसे यहाँ तक, तो ये आराम से शायद आ जाएगा। अब प्ले करके देखती हूँ, तो देखिए अब बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट्स में मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं अपनी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, जैसा भी आप अपनी वीडियो में चाहते हैं। क्योंकि एनिमेशन क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, एनिमेशन का मतलब होता है स्क्रीन पर हमेशा कुछ ना कुछ होता रहना चाहिए, तभी उस एनिमेटेड वीडियो को देखने में व्यूअर्स को मज़ा आता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से स्लाइड में आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, थैंक यू।